गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले वंस अगेन। आज हमारा ले में है लास्ट दिन। जैसे मैंने आपको कल रात को बताया था, कल रात को हम मार्केट घूम फिर के आए और ऐसे सो गए, ब्लॉग भी एंड नहीं किया। कोई बात नहीं, टाइम अपडेट 8:36। नाश्ता वाश्ता हो गया, बैग सारे लोड हो गए बैकअप व्हीकल में। टीटी वाले भी रेडी है और अपनी बाइक भी रेडी है। बाइक भी मैंने पहले बैग साइड लाप करी, बाद में मैं नाश्ता करने गया था। तो 8:30 बजे का निकलने का प्रोग्राम था। 8:36 जैसे मैंने आपको बताया हो गया, मे बी 10-15 मिनट्स और लगेगा। आज हम जा रहे हैं कारगिल, अपनी एक लंबी राइड है आज 260-270 किलोमीटर्स की, कुछ 260 या 250 है शायद, आई डोंट नो एग्जैक्ट किलोमीटर्स। पर अपन कारगिल जा रहे हैं आज और वहीं स्टे करेंगे। ऑन द वे अपन बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। आवाज़ की तो बैंड बज गई, जितनी मट्टी मैंने खाई है बाइक चलाते चलाते, गला मेरा पिट चुका है। कल रात को मार्केट से आके हमने एडिटिंग करी थी थोड़ी सी, उस चक्कर में हम व्लॉग ही एंड करना भूल गए। तो जो भी मैं एडिटिंग कर रहा था वो कुछ दिनों में पोस्ट होने वाली है। व्लॉग मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कंटिन्यू ट्रैवल हो रहा है। एक या दो दिन में व्लॉग ज़रूर आ जाएगा, जुड़े रहिए। Here we go, Manju, for the last time. Nice riding with you, brother. For sure, we're gonna meet again. Yes. Take care. ये अपना कॉन्वॉय पूरा रेडी है, टेम्पो वाले टेम्पो में, बाइक्स वाले सब बाइक्स पे तो है सब, पर मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही है। मेरी बाइक की चाबी ढूंढी जा रही है, उसके बाद निकल जाएंगे। और पीपल, सारा लाइनअप निकल रहा है। आज कितनी बाइक जा रही है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। और आज अरविंद भाई अपने को लीड करने वाले। 8:30 बजे निकलने का टाइम था, 9 बज चुका है, ट्रिप हमने ज़ीरो कर दिया। ये आ गए अरविंद भाई, नाउ वी ऑल सेट टू गो। थर्टी मिनट्स, ओके पीपल। भाई कितनी अच्छी जगह लगे कि लैंडस्केप कितना अच्छा लग रहा है। ओके सो दिस इज़ द शांति स्तूपा। 30 मिनट्स है अपने पास अंदर से जाके इसको एक्सप्लोर करके आने के लिए। पीपल, शांति स्तूपा के एंट्री पे आपको 30 रुपीज़ चार्ज है एंड देन यू कैन गो इनसाइड। शायद अपना जो टेम्पो ट्रैवलर है वो अंदर जा चुका है, अपन भी टोकन ले लेते और चलते अंदर। अरे पीपा, ये शांति स्तूपा विच इज इन ले, यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है क्योंकि यहाँ पे आर्मी का बेस बहुत पास है, तो वो काम हम नहीं कर सकते। हम अभी ऊपर देख के आई, कुछ जरा बताइए टिप्पणी, ज्ञान का आदान प्रदान दीजिए जरा। हम आए हुए हैं शांति स्तूपा पे, वो बताया मैंने। हमें बहुत शांति मिली है। और आयुष को नहीं मिली है। मेरा तो गला खराब। मेन मुद्दा क्या है वो बता चली से। मुद्दा ये है कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट शांति स्तूपा है। इट्स अराउंड 11,600 फीट पर। हाँ अभी मैं ये 11,660 फीट हाइट तो पढ़ ली मैंने, पर मुझे ये नहीं पता था कि इस वर्ल्ड हाईएस्ट है। यस मैडम, अंदर से ज्ञान लेके आई है, अभी आदान का प्रदान हमको दिया। पहले तो गाड़ी देखो, MH12। भाई ये गाड़ी देखते हैं, इनके पास में सर हाथ मिला पहले तो। और इनका नाम क्या है, आप खुद ही बताओ। मेरा नाम अमिताभ है। अमिताभ जी से मिले लद्दाख में, ले लद्दाख में। और इनकी गाड़ी देखी मैंने महाराष्ट्र की, वेरी नाइस। ये ODC राइड है हिमालयन की, राइट? हाँ, हिमालयन ODC है जो रॉयल एनफील्ड ऑर्गेनाइज करती है। कुछ 100 राइडर्स हैं। 100 राइडर्स चंडीगढ़ से निकले हैं, तो आज कल शाम को ले पहुंचे हम। तो आज ले में रेस्ट डे है, कल फिर आगे निकलेंगे। रेस्ट है पर ये रेस्ट नहीं कर रहे, ये होती है राइडर की स्पिरिट। इनकी गाड़ी महाराष्ट्र की थी इसलिए मैंने देखी, 100 गाड़ी है। ये राइड अपन भी ज्वाइन करने वाले थे हिमालयन ODC की, पर लद्दाख की वजह से अपन ने कैंसिल कर दी, जो आपको पता है। अमिताभ भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यार, ऐसे अपने महाराष्ट्र के लोग मिलते हैं दूसरे स्टेट्स में तो काफी अच्छा लगता है। बस जुड़े रहिए। ऑलराइट पीपल, शांति स्तूपा देख के हो गया अपना, अपन निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और जैसा कि आपने अभी देखा, हम एक आदमी से मिले जो कि थे महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की गाड़ी देख के स्पेशली लद्दाख में अलग ही एक एक्साइटमेंट आ गई है ना। अच्छा सा लगता है ऐसा, अपने पास के लोगों से इतनी दूर जाके मिलने। तो कैसे लंबी लाइन आगे तक कितनी अच्छी लग रही है। दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन राइडिंग।
आर्मी वाले भैया अभी हमारी गाड़ी की लंका लगा देते। अपना फर्स्ट फ्यूल ब्रेक, सारी गाड़ियाँ फ्यूल अप हो गई। अब अपन अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला क्योंकि चाबी अपनी गाड़ी की है ही नहीं, किसी और गाड़ी की चाबी है ये, क्योंकि उस वजह से मेरी टैंकी नहीं खुली। वैसे मेरी गाड़ी में पेट्रोल तो फुल है, तो मैंने अरविंद को बोला है कि अगर आगे ज़रूरत पड़े तो शायद किसी की चाबी लगा के टैंक खोल के पेट्रोल डाल देंगे। अभी तो फिलहाल के लिए फुल है तो वी कैन स्ट्रेच। अपन आ गए हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे जो है गुरुद्वारा साहिब। ये जम्मू कश्मीर जाने के लिए रास्ते में पड़ता है, ये देखो। अपना टीटी अब तक आया कि नहीं पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट वो ऊपर गुरुद्वारा है। चलो ऊपर जाके आएंगे। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए, पीछे देखा ना आपने, अंदर वीडियो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहीं से देख लो, दोबारा दिखा रहा हूँ। श्रीनगर जाने के रास्ते में पड़ता है ये, अगर आपको मौका मिले और आप इधर से गुजर रहे हो 5-10 मिनट रुको और अंदर जाके आओ, बहुत अच्छा सुकून सा मिलेगा आपको। और ब्लेसिंग किसके लिए अच्छी नहीं होती, अंदर जाओ अपनी ब्लेसिंग लो एंड देन मूव फॉरवर्ड। बस इतना ही, अभी नाउ वी गोना गेट अप अगेन एंड देन बैक टू द रूट पीपल। तो ये है जो दो नदियों का संगम होता है, यही एक पॉइंट है जहाँ पे आप इन दो नदियों का संगम देख सकते हो। अच्छा लग रहा है ना, नदी का पानी वैसे इतना साफ तो नहीं है पर लेकिन यहाँ पे संगम होता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। हिंदी देख रहे हो मेरी, मैं तो पूर्ण। अरे और इंट्रोडक्शन तो देना भूल गए, आज अपने पीछे खुशबू बैठी है। Hello? तो ग्रुप में एक हम ही है, एक रेस्पॉन्सिबल राइडर जिसके पीछे सारी लड़कियों को बैठना है। Hello? तो आज खुशबू की टर्न है, शी इज सिटिंग बिहाइंड मी। कैसा लग रहा है बाइक का एक्सपीरियंस? चलो चाहिए, हमारे बदौलत कोई तो मज़े ले रहा है। लद्दाख का मज़ा बाइक पे ही आता है और इनको वो मिस कर रहे थे टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के, तो इनको भी थोड़ा सा फन अनलिश करा रहे हम। यहाँ से अभी थोड़ी देर रुक के सिर्फ ये संगम देख के एंड देन वी विल हेड फॉरवर्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरे शब्दों पे जाइएगा, लद्दाख इज अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। नज़ारा देखो एकदम ही बदल गया, नज़ारा देखो एकदम बदल चुका है। वहां पीछे क्या लिखा था बोर्ड पे, फील द कर्व डोंट हग देम, इसका मतलब समझे ना। क्या रास्ता यार, रास्ता तो देखो यार, डोनेट ब्लड नॉट ऑन रोड्स। ये वही ब्रिज है जो ऊपर से दिख रहा था। अरे पीपल, ये अरविंद भाई की बाइक खड़ी है, अपनी पीछे खड़ी है। टोटल किलोमीटर्स डन 101, टाइम हो रहा है 109। अपन रुके लंच ब्रेक के लिए। मालूम क्या हालत थोड़ी सी ख़राब है, ट्रैफिक का नॉइज़ काफ़ी है क्योंकि ये मेन रोड पे ही रुके हैं अपन खाना खाने के लिए। पहले तो मुंह धोऊंगा, मुंह में 150 किलो मट्टी है। और भी खाना ऑर्डर करके बताते हैं आपको कि क्या खा रहे हैं। खाना आ गया अपना, सिंपल जीवन, सादा जीवन, राजमा चावल मंगाया और एक आलू पराठा मंगाया, अपन शेयर करके खा लेंगे। चावल आ गया, राजमा आ गया, प्याज आ गया, खुशबू दे रही, पराठा नहीं आया, पराठा आएगा तो वो भी दिक्कत है, अभी निपटा लेते क्योंकि बहुत भूख लग रही है, फिर बाद में वापस राइड करना है ना, जुड़े रहिए। इंपॉर्टेंट थिंग इसको भूल गए थे अपन, ये भी लिए राइड में, एक तो मैंडेटरी। चीयर्स जी। पराठा आ गया हमारा, जरा अचार दिखा दो, अचार तो देखो, ओहो जुड़े रहिए। बिल खाना खा के अपना हो गया, अभी 5-10 मिनट बाकी है क्योंकि बाकी पब्लिक खाना खा रही है, आज अपना खाना खा के जल्दी हो गया ना,
क्योंकि हम दो ही जनते ना, टीटी रुकी नहीं आज हमारी, जो बाकी का हमारा ग्रुप है वो रुका ही नहीं, वो लोग कहीं और लंच करने के लिए रुके। अभी यहाँ से अपना नेक्स्ट स्टॉप होगा आफ्टर टू पासिस, दो पास क्रॉस करने वाले अपन, जिसका नाम बहुत अजीब है, तो वो पासिस आएंगे तो आपको बताएंगे। ऑलराइट पीपल, टाइम अपडेट 2:14, अभी हम दो पासिस चढ़ने वाले। अरविंद भाई पास का नाम बता दो। फाटूला और नाकीला, नमकीला। दो पासिस चढ़ने के बाद हम एक छोटा ब्रेक लेंगे, तो अभी कुछ 20-25 किलोमीटर से चलेगी गाड़ी। सारे राइडर्स गियर अप हो रहे हैं, यहाँ पे भी अपने, वहाँ पे भी अपने राइडर है। और ये अपना फिलियन, आज का कैसा रहा आपके तक का एक्सपीरियंस? मज़ा आ रहा ना? बिल्कुल, जुड़े रहिए। लग रहा है ना ये पहाड़। अपन है मूनलैंड में, कर ले पहले। दिस प्लेस इज कॉल्ड मूनलैंड, पता नहीं क्यों। ये पास नहीं आया अभी तक, दिस इज़ ओनली अ व्यू पॉइंट। यहाँ से मूनलैंड का है और मोनेस्ट्री का एक अच्छा व्यू है, इसलिए यहाँ रुक गए। तो हेलमेट और ग्लव्स उतारा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक है देखो, इसलिए सारे राइडर्स विद गियर्स ही एक अच्छा व्यू तो देखने जा सकते हैं ना। ओ माई गॉड, लुक एट दैट व्यू, जहाँ से पूरा देखो यहाँ तक। अच्छा लग रहा है ना? नाइस। ऑलराइट पीपल, फोटूला टॉप, अल्टीट्यूड 13,479 फीट। बाकी सब ठीक है, बस ये मत करो यार, ये एक पास है, एक मेमोरेबल पॉइंट है ये, इसके ऊपर ये सब प्लीज मत करो। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ अच्छा सा, ज़्यादा देर नहीं, 5 या 10 मिनट रुकेंगे तो GoPro से शूट कर लेते ना। हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर ले रोड। ओ सो ये ले श्रीनगर रोड का हाईएस्ट पॉइंट है। टाइम अपडेट 4:30, नामा काला, नामी काला ऐसा कुछ तो है, JNK मेंटेन बाय BRO। इसका आईटी रहा है 652 फीट, अभी यानी 7062 फीट, सॉरी माय बैड। अपनी बाइक देखो किधर खड़ी करी मैंने, ये अपनी बाइक, ये नामी काला का पोर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दृश्य देखिए और हिंदी पे गौर कीजिए, दृश्य वाह यार, क्या लग रहा है यार। छोटे बड़े पहाड़, हर साइज का पहाड़ है वहां और वो एक ही कलर का है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हम आ चुके हैं कारगिल में। अपना होटल जैसे कितना दूर है कुछ आइडिया नहीं है, पर कारगिल की सड़कों पे भीड़ तो देखो। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कारगिल इतना सिविलाइज होगा। टाइम अपडेट हो रहा है 6:53 और हम लोग ऑलमोस्ट अपने होटल पहुंचने वाले हैं। 224 किलोमीटर्स डन। आई डोंट नो होटल यहीं कहीं है या थोड़ा आगे पीछे है। अरविंद इज लीडिंग। हम गलियों में से ट्रैफिक से भिड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ 10 मिनट हो गया हमको ट्रैफिक से लड़ाई करते हुए निकलते हुए, क्योंकि ये शाम का टाइम है, शायद इसीलिए लोग सड़कों पर निकले हुए हैं घूमने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये नज़ारा दिखा दिया जाए कि कारगिल की सड़कें शाम के टाइम कैसी लगती हैं। लोगों के चेहरों पे हमारे लिए आश्चर्य देखो, कैसे देख रहे हैं लोग हमको, जैसे कि पता नहीं कौन ही आ गया। ये फीलिंग मुझे किसी तरह से पसंद भी है और कभी कभी मुझे डर भी लगता है। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। हमारे नए राइडर्स सारे रैवलर्स एक साथ रैव करते हुए। हे ये नज़ारा तो देखो, ऑलराइट पीपल, फाइनली होटल पहुंच ही गए। 224.6 किलोमीटर्स डन, 6:57 इज द टाइम। अब आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं यहाँ से नज़ारा दिखाने के लिए हूँ। दो मिनट दो। फाइनली होटल पहुंच गए। जैसा आपको बोला, सबसे पहले मैं आपको एक्साइटेड हूँ यहाँ से व्यू दिखाने के लिए। व्यू देखो, ये ऐसा ज़िगज़ैग वाली सीढ़ी ऐसी कुछ तो है। और इधर से अपना रूम है, रूम में थोड़ी लाइट कम है, पर देख लो ये दो चेयर विराजमान होने के लिए, हिंदी ये बेड दो जन के सोने के लिए, ये शीशा, शीशे में आपका हैंडसम लड़का, और ये कबर्ड जिसमें सामान रखने की खूब जगह है, और सबसे इम्पोर्टेंट अरे अंदर कोई है। अरे चलो, और ये फैन के नाम पे छोटा सा फैन है, पता नहीं यहाँ पे रात को ठंड होगी या गर्मी होगी, पर लेट्स सी। अच्छा खासा रूम है। अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे या फिर पहले चाय पी लेंगे, नीचे हमारे लिए चाय और बिस्किट्स वगैरह लगे, वहाँ जाएंगे।
में नींद है और थकान भी है। टाइम अपडेट हो रहा है, कितना बज रहा है, 10:52, और हम कर क्या रहे हैं, खाना वाना खा के डन, खाना नहीं दिखाया आपको, आई एम सॉरी, भूख लगी थी जाके खा लिया चुपचाप, वापस आया मैं, और मैं जब से वापस आया हूँ तब से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये, फाइल ट्रांसफ़र की जा रही है आपके लिए, स्पेस खाली किया जा रहा है, कल हम कारगिल से श्रीनगर तक ट्रैवल करने वाले हैं, काफ़ी कुछ कवर करना है और स्पेस मुझे काफ़ी चाहिए होगा, तो मैं अपना जितना भी स्टोरेज डिवाइस है वो स्टोरेज खाली कर रहा हूँ ताकि कल मैं आपके लिए नया फुटेज रिकॉर्ड कर सकूँ। बस इतना ही, अब थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे और सो जाएंगे क्योंकि सुबह हमको जल्दी उठ के निकलना है, फिर जल्दी उठना है सुबह। चलो वो सब छोड़ो, वो सब मेरी प्रॉब्लम है, मैं उठूँगा, मैं चलाऊँगा गाड़ी कल वापस आखिरी बार। अगर ये सीरीज पसंद आ रही है, कल के लिए परसों के लिए सॉरी, हम इतना एंजॉय कर रहे थे रात को कि हम व्लॉग एक दो दिन से व्लॉग एंड करना ही भूल जा रहे, आज करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना ही। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे, सी यू ऑल्सो इन द नेक्स्ट व्लॉग, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रीम बिग, ड्रीम बिग।